साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे। दुबई से रिलेटेड कुछ वैकेंसी मेरे मोबाइल पे आई हुई है। ये वैकेंसी बहुत कम आती है, शायद फर्स्ट टाइम मेरे पास 2-3 सालों में ऐसी वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी उन लोगों पे लागू होती है जो फायर सेफ्टी, जिसको बोलते हैं सेफ्टी ऑफिसर, फायर से रिलेटेड ही है। बहुत सारे मेरे पास कमेंट मैसेज आते हैं, लेकिन ये वैकेंसी बहुत कम आती है। आती है तो इसमें कंडीशन ऐसी होती है कि बंदा इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो आज मेरे पास वैकेंसी आई हुई है, 10 सेफ्टी ऑफिसर रिक्वायर्ड है। सेफ्टी ऑफिसर जो कोर्स कर चुके हैं, इंडिया में जॉब करते हैं, उनको पता होता है सेफ्टी ऑफिसर क्या होता है। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है। अगर आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं इसी कैटेगरी में, सेफ्टी ऑफिसर में, तो इसमें एक निबोस एक एग्जाम होती है, इंग्लिश में होती है वो। अगर आपके पास उसका डिप्लोमा है तो भाई वो इंटरनेशनल वैलिड प्रूफ होता है। कोई भी कंट्री में जाके आप उस जॉब को पा सकते हो, अच्छी सैलरी इसमें मिल जाती है। और अगर नहीं है तो भाई आप अगर वहाँ कंट्री में जाते हो तो वहाँ पर भी आपको लाइसेंस ये बनवाना पड़ेगा, जिसको लाइसेंस बोल दो, डिप्लोमा बोल दो, कुछ भी बोल दो। क्योंकि ड्राइवरी में आप जाते हो तो भी वहाँ ड्राइवरी का लाइसेंस बनता है, यानी हर चीज का लाइसेंस बनता है। इसका भी आपको वहाँ एग्जाम दे के ये डिप्लोमा आपको लेना होता है, खर्चा आपका खुद का लगेगा, कंपनी वहन नहीं करेगी। ठीक है, दूसरी बता दूं, अगर आपके पास निबोस का डिप्लोमा है, ठीक है, एंड 5 साल 5 इयर्स एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी बहुत अच्छी है, 4,500 दुबई दराम, यानी 4,500 दुबई दराम का इंडिया का सीधा सीधा 90,000 रुपये बनता है। तो भाई सैलरी कम से कम 1,25,000 के ऊपर प्लस बंदा आराम से इसमें कमा लेता है, लेकिन कंडीशन निबोस वाला होना जरूरी है। फूड अकोमोडेशन इसमें फूड भी मिल रहा है कंपनी की तरफ से, अकोमोडेशन, रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, 2 साल का वीजा, सब कुछ आपको कंपनी की तरफ से मिल जाता है। नेशनलिटी इसमें पाकिस्तानी और इंडियन मांगा गया है। अगर आपके पास निबोस का डिप्लोमा है, इंडियन खासतौर से मैं उनके लिए बात कर लूं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसमें जरूर आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर, सेकंड जो भी इसमें साथ में ऐड कर रहा हूं साथियों, इसमें जनरल मैनेजर की वैकेंसी है। जनरल मैनेजर कौन सा कैटेगरी का बता दूं, CFO। ठीक है, इसमें आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये जनरल मैनेजर है, एग्रीकल्चर के समझ गए, जिसे साइंटिस्ट अपनी भाषा में आप बोल सकते हो। ठीक है, बेस्ट कंपनी अबू धाबी की CFO कंपनी में जॉब है। CFO अगर आप सर्चिंग करेंगे तो आराम से कंपनी आपको सब कुछ दिखाई दे देगा। सैलरी की बात करें, सैलरी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, हालांकि पद के हिसाब से सैलरी सही है, आपको ज्यादा लग सकती है। 25,000 से लेके 30,000 दुबई दराम सैलरी इसमें मिल जाएगी। CFO सैलरी है, CFO की बता दूं मैं, 20,000 से 30,000 के बीच में आपको सैलरी रहेगी। दुबई दराम की बात कर रहा हूँ, आप इंटू कर लीजिए भाई कितना सैलरी बनता है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छी सैलरी इसमें मिल सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हैं। सूडी एग्रीकल्चर बैकग्राउंड एंड 5 से 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम कैपेसिटी के हिसाब से, तभी है। अगर आप इजिलेबल हैं तो आप चाहे दुबई में हो चाहे आप इंडिया में हो, अगर इससे रिलेटेड आप इंटरेस्टेड हैं तो नंबर लेके डायरेक्ट कंपनी का आप अपना CV डॉक्यूमेंट सेंड करके आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको जॉब मिलने के चांसेस, अगर आपके CV में या आपकी इंटरव्यू में अगर आप सक्सेस होते हैं तो ये जॉब आराम से आपको मिल जाती है। तो ये कैटेगरी के जॉब थे साथियों, मैंने मेरी तरफ से बता दिया। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर लेके बात कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर रोज इसी तरीके के टॉपिक पे आपको वीडियो पे जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।